काम लगाया जाता है उनको हरासा किया जाए, उनको महीनों तक जेलों में डाला जाए और उनकी और उनके खानदान की हत्या की जाए। कि सुप्रीम कोर्ट लिखता है, वो कहता है कि हमारा आईन जो है वो प्रोटेक्शन देता है सिटीजन को। इंसाफ का बुनियादी तकाजा है कि जब तक आप के खिलाफ सबूत मुहैया नहीं होता, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये इंसाफ का तकाजा है। हमारा आईन भी यही कहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं डिग्निटी की, ऑनर की, लिबर्टी की, फ्रीडम की और प्रॉपर्टी की। आज नैब इन सब को पामाल करता है और उन्होंने लिखा कि सिर्फ आज से नहीं, 20 साल से जब से नैब बना है, ये एक टूल है ऑपरेशन का और विक्टिमाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल अपोनेंट्स का, यानी अपोजिशन को दबाने का एक आला है ताकि इक्तदार को तूल दिया जाए। ये अल्फाज सुप्रीम कोर्ट के हैं, मेरे नहीं हैं। मैं इसलिए बड़ी केयरफुली ये बातें आपके सामने रख रहा हूं। और उन्होंने कहा कि नैब के अमल ने अवाम के अंदर इस इदारे की जो क्रेडिबिलिटी है और इम्पार्शियलिटी है उसको खत्म कर दिया है और ये इदारा जो पॉलिटिकल डिवाइड है, यानी अपोजिशन को तो पकड़ता है लेकिन इसको उससे हद दर्जे बड़े वो करप्शन के स्कैंडल नजर नहीं आते जो हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। और अपोजिशन को तो महीनों और सालों जेल में रखा जाता है जबकि नैब का कानून खुद कहता है कि 30 दिन में रेफरेंस फाइल करके केस को पूरा करना है। तो ये हकूक की पामाली है और ये जो दावे किए जाते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट है, इस पर भी इस फैसले में बड़ी वाज़ेह हकीकत लिख दी गई है कि ये जो नैब आलाकार बना हुआ है, जो इसके अस्कंडे हैं, ये नेशनल इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रहे, ये मुल्क के मुफाद में नहीं है बल्कि दे आर कॉजिंग इररिट्रीवेबल हार्म टू द कंट्री, नेशन एंड सोसाइटी इन मल्टीपल वेज। चेयरमैन नैब इसी अदालत के जज रहे हैं, अगर इन अल्फाज को समझते हैं तो वो जानते हैं कि उनका अगला अमल क्या होना चाहिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इतने इंसान में इखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि जब एक आला तरीन अदलिया एक इदारे के बारे में ये बात कर दे, फिर उस इदारे का वजूद नहीं रहता। आज ये इदारा जो मर्जी करता रहे इसका कोई वजूद नहीं है और हम किसी इदारे के खिलाफ खड़े हुए। बड़ा आसान था कि सिर झुका लेते साद रफीक के लिए, बड़ा आसान था कि कोई कहता जी मैं तकरीरें नहीं करूंगा आपके खिलाफ, मैं असेंबली में नहीं बोलूंगा, मैं आपकी बातें मान लूंगा। हुकूमत के सामने सर झुकाने से साद रफीक ने फैसला किया कि मैं मुकाबला करूंगा। आला तरीन अदलिया में गए और आला तरीन अदलिया पोजीशन की हिमायत नहीं की, उन्होंने उसे आगे बढ़कर नैब की हकीकत को पाकिस्तान की आवाज सामने नंगा कर दिया है। और सिर्फ पाकिस्तान सामने नहीं, उन्होंने कहा इदारे ने नैब ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने इसकी तस्वीर की है। उन्होंने यूरोपियन कमीशन ने जो नैब के बारे में बातें की, अच्छे लोग अपनी जमात के साथ वफा पे खड़े हैं, उन्हें डराने और उन्हें खौफजदा करने और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख ने यह देखा है
कि जनरल मुशर्रफ के दौर में तो लोग झुक गए, नैब के आगे सिजदा रेज हो गए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के ये सिपाही जिन्हें इस धरती से प्यार है, जिन्हें आईने पाकिस्तान से प्यार है और जिन्हें जमहूरियत से प्यार है, और उसी कारवान के दो हमारे सिपाही और दो बहादुर साथी ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा साद रफीक को 16 महीने बेजा जेल में रखा गया। और मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि इस फैसले के बाद इनके 16 महीने इन्हें कौन लुटाएगा? इनके 16 महीने इनके बच्चों को कौन लुटाएगा कि जिन 16 महीनों में जबरदस्ती जबर के जरिए गैर आइनी तौर पे बच्चों को वालिद से जुदा किया गया, इन 16 महीनों में जो किरदार कुशी की गई उसका नुकसान कौन पूरा करेगा? ये वो सवाल है जो आज पाकिस्तानी रियासत के सामने खड़ा है कि हमने एक आईनी जमहूरी रियासत बनना है, क्या पाकिस्तान ने डेमोक्रेसी बनना है या फेंटाक्रेसी बनना है? आज मतीउल्लाह जान को जिस तरह इस हुकूमत ने गिरफ्तार किया, ये इस बात का सबूत है कि यह हुकूमत पाकिस्तान को डेमोक्रेसी नहीं बल्कि फेंटाक्रेसी बनाना चाहती है कि जो हुकूमत के खिलाफ बोलेगा उसको फेंटा लगेगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। इसी तरह मीर शकील उर रहमान साहब को गिरफ्तार किया गया इससे पहले कि इंक्वायरी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामने रखा जाए तो नैब को आज खुद मीर शकील उर रहमान साहब को रिहा कर देना चाहिए। एक एक दिन जो उनका जेल में इस फैसले के बाद गुजर रहा है वो गैर आईनी डिटेंशन है। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, मिफ्ता इस्माइल ने, मैंने भी नैब की गैर आईनी डिटेंशंस काटी हैं, लेकिन हम में से किसी के हौसलों में कोई कमी नहीं आई और ना आएगी। अब वक्त आ गया है कि इस हुकूमत को घर भेजना, पाकिस्तान के आईन और जमहूरियत और इसके तशख्स को बचाने के लिए जरूरी हो गया है। ये नालायक हुकूमत है, ना अहल हुकूमत है, करप्ट हुकूमत है, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, कराची के लोग जिनको इन्होंने धोखे से वोट लिए थे वो बिलक रहे हैं, ना बिजली है ना पानी है, बलूचिस्तान के लोग परेशान हैं, खैबर पख्तूनख्वा में वो इलाके जिनका फाटा का मर्जर किया गया था, हमने उनसे वादा किया था कि उनको हम डेवलपमेंट फंड्स देंगे, इस हुकूमत ने कबायली इलाकों के साथ धोखा किया है, इस हुकूमत ने पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है उसको पसमांदगी की तरफ धकेल दिया है और 10 साल की हमारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया है, और सीपैक जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मंसूबा था उसको भी न्यूट्रल गियर में लाके खड़ा कर दिया है, और हर रोज मुस्लिम लीग नून के मंसूबों की ट्वीटें चलती हैं कि जनाब ये मंसूबा ये हो गया। ये नहीं बताते कि ये वो मंसूबे हैं जो मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह पाइपलाइन में डाल गई थी। अगर वो पाइपलाइन में हमने ना डाले होते तो आज वो भी फौत हो गए होते। ML1 जो सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है उसके लिए सिर्फ 6 अरब रुपए बजट में रखे हैं। 6 अरब का मतलब यह है 197 साल लगेंगे उसको मुकम्मल होने में। यह सीपैक के साथ बदतरीन मजाक है। तो इसलिए मैं एक बार फिर कहूंगा कि हमें अपने बहादुर भाई साद रफीक और सलमान रफीक पर फख्र है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि आप सुरखरू हुए हैं, आपकी हिम्मत, आपकी इस्तकामत,
आपके खानदान की कुर्बानी सुरखरू हुई है और अल्लाह ताला ने आपके सिर पे इज्जत का ताज रखा है और आपको गिरफ्तार करने वालों को रुसवा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मंजर और ये दिन जो कल हमें देखने को मिला, इसका मुझे तकरीबन 3.5 साल से इंतजार था। जब 2017 में हमारी हुकूमत होने के बावजूद मुंतखब हुकूमत के खिलाफ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को डिसलॉज करने की साजिश का आगाज हुआ और ये खेल आगे बढ़ता गया, मुल्क के मुंतखब वजीर आजम को निकाला गया और उसके बाद की सारी कहानी आपके सामने है। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में यह पहली बार नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह फैसला, यह तारीख साज फैसला, इसके तीन हिस्से हैं। इसका एक हिस्सा, उसका ताल्लुक तो मेरे और सलमान रफीक साहब के मुकदमे से है, जिसके बारे में यही जुमला बहुत काफी है कि यह इंसानियत की तजलील है और यह शर्फ इंसानियत के खिलाफ है और नान इंसाफी पर मबनी है और यह कि इसकी कोई बुनियाद नहीं है। इसके दूसरे दो हिस्से बहुत अहम हैं। एक हिस्से का ताल्लुक एहतसाब के अदारे नैब की कारकर्दगी और उसके तरीकाकार से मुतल्लिक है और तीसरा हिस्सा पाकिस्तान की बदकिस्मत सियासी तारीख है, जिसका सराहत और वजाहत के साथ जिक्र किया गया। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों के साथ इस मुल्क में रियासत ने मुसलसल बदसलूकी की है। हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद हैं, हर दौर में हमने आमरियतों को फेस किया है, लेकिन इस बार जो हुआ उसकी नजीर नहीं मिलती। हमारी जान तक ले ली गई मगर हमारी इज्जत हमसे छीनने की कोशिश नहीं की गई। यह पहली बार हुआ कि हमें मिनहसुल जमात, हमें चोर और डाकू साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। लेकिन एक डिजाइन बंदों का है, एक डिजाइन रहमान का है और अल्लाह ताला की जो लाठी है, बेआवाज लाठी, वो अमल में आती है, वो हरकत में आती है। आप देखें कि जंदान खाने में पड़े हुए लोगों को ऐसी जगह से रोशनी मिलती है जिसकी कोई तवक्कुल बाज़ुकात नहीं करता। हमें इंसाफ देने में ताखीर की गई है, यह इंसाफ पहले मिलना चाहिए था, इंसाफ नहीं किया गया, जगह जगह इंसाफ को डिनाई किया गया। जिनका जिम्मा, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो इंसाफ देते, जिस आजाद अदलिया के लिए हमने जेलें काटी थी वहां से इंसाफ मिलते हुए ताखीर हुई। लेकिन मैं उन मुअज्ज़ज़ और अजीम जजेस की अजमत को सलाम करता हूं जिन्होंने कानून, आइन और सदाकत के मुताबिक फैसला किया है। यह फैसला पाकिस्तान की तारीख में एक लैंडमार्क की हैसियत रखता है, यह रेफरेंस के तौर पे पेश किया जाता रहेगा। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि यह चलन अब इस मुल्क में हमें बंद कर देना चाहिए। अगर यह रवैया जारी रहा तो मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी देने वाले, सेल्फलेसली सर्व करने वाले घटते चले जाएंगे। मेरी 42 साल की पॉलिटिकल स्टैंडिंग है बतौर एक सियासी कारकुन के, मैं तकरीबन मायूस हो चुका था इंसाफ से कि यह एक रोशनी की किरण नहीं बल्कि एक लाइट हाउस है रोशनी का, जो ये फैसला सामने आया है, एक मीनारा नूर है। तो अगर नजरिया जरूरत के तहत फैसले न किए जाएं और अगर असूल और कानून की पासबानी के तहत फैसले किए जाएं तो पाकिस्तान को कोई खतरा लाहक नहीं है। और ये अगर हमने इस मुल्क का दिफा करना है, अगर इस मुल्क के साथ हम मुखलिस हैं, तो फिर हमें ये रवैया एडॉप्ट करना पड़ेगा। आज अहद चीमा, हमजा शहबाज, खुर्शीद शाह, मीर शकील, ये जमीर के कैदी हैं। इनका जुर्म सिर्फ ये है कि इन्होंने सच्चाई की बात की है। इनमें से कोई झुका नहीं, कोई बिका नहीं, कोई डरा नहीं। ये रवैया बदलना पड़ेगा। मैं आखिर में ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस अहम तरीन फैसले के बाद असूली तौर पर नैब नामी अदारे के वजूद का कोई जवाब बाकी नहीं। नैब को खत्म किया जाना चाहिए, एहतसाब का नया कानून, पार्लियामेंट को तश्कील देना चाहिए और ऐसा अदारा बनाया जाए जो आजाद और खुद मुख्तार हो, जो हुकूमतों की रियासती ताकत की जो गिरफ्त है उससे आजाद हो, ताकि जिसने लूट मार की है
वो कैफरे किरदार तक पहुंचे। वाजे तौर पर लिखा गया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज किया गया। बदकिस्मती से अपनी पैदाइश से लेके आज तक एहतसाब के नाम पे इस मुल्क में आम ट्विस्टिंग की गई, यह दौर किसी का भी था। अब वो वर्स्ट कैफियत में है, तो लाजम है ये पार्लियामेंट पर, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों पर कि वो नई कानून साजी करें। हम इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी शायद अदा नहीं कर सके, मुझे ये कहने में कोई बात नहीं। हम पुरज में, अपोजिशन पुरज में, हुकूमत को भी हिम्मत करनी चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में करप्शन का खात्मा हो, तो बजाय करप्शन की कालक मुखालफीन के चेहरे पर मलने के और करप्शन की उस पूरी ड्राइव को नाकाम बनाने के, नए कानून के तहत नया अदारा बनना चाहिए। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं आखिर में कि ये मैंने नैब को डील किया है, वहां इंसाफ का माहौल बदकिस्मती से नहीं है। अगर कोई एक फर्द वहां इंसाफ देना भी चाहता है, वो माहौल ऐसा है जो उसको इंसाफ नहीं करने देता। वहां पे आप इस ड्रैकोनियन लॉ के तहत ये जो काला कानून है, जो पुराना बना हुआ है, जो एक डिक्टेटर ने उसके अंदर ड्रैकोनियन जो आर्टिकल्स हैं वो ऐड किए थे, अगर ये कानून रहेगा तो आप किसी फरिश्ते को भी यहां पे ले आए, वो भी वहां पे डिलीवर नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अब ठीक है।